भाई जब लेके जाने वाले है कि मोटा प्याज प्रसाद का आज तू प्रसाद का ना प्रसाद की लग रही है तो गाइस जाते टाइम भी खा के गई थी और रास्ते टाइम भी मैंने देखा जैसे तू एक बार ये दिखा देगा बर्गर किसे खाएगी हमें अच्छा मेरा भी दिखा देना थोड़ी देर में तो तू थोड़ी देर में खाएगी पर ऐसा लगता है मैं यहाँ से जाऊँगा कहीं तो हेलो गाइस तो मैंने कर दिया मेरा आज का वो लोग स्टार्ट तो गाइस जैसा पीछे इधर ये खाना खा रहे अभी मैं भी खाना ही खाऊंगा और करी सा रखा है वो भी बैठा है तो गाइस खाना खाए उससे पहले इतना अच्छा मौसम था खाना खाने के बाद देखो अचानक देखो बारिश भी आने लगी थोड़ी थोड़ी तो इसको मोटर वगैरह रखते हैं अगर और भी कुछ चीज़ है बाहर कपड़े वगैरह उतारते हैं इनको सारे को देखो थोड़ी थोड़ी आ रही है बारिश तो गाइस अंदाज लगाते बारिश आएगी नहीं आएगी मेरे हिसाब से तो नहीं आएगी नहीं आएगी आएगी बहुत तेज़ आएगी ये बोल रहा हूँ गलती से निकल गया आएगी ये देख सकते हो तो गाइस मेरी भविष्यवाणी ख़राब हुई बारिश अभी तक नहीं आई है मैं ना लिया तो एक बार मतलब सूप बनाई थी मैंने जब नहीं पी तो अब सूप पीते पत्ते का डाल के लेके आ रही है डाल जल्दी से मेरी ये देखो गाइस मेरी सूप ठीक है पीते अभी सूप को ये इसको फ्रिज में तू रख के मैं जा रहा हूँ एक बार तो गाइस मैं घर से आ चुका हूँ बाहर एक बार चले खेलने मतलब वेट लाने गया मैं कुरकुरे खा रहा हूँ तो यहाँ पर उनका वेट करते इतनी देर तो गाइस धूप बहुत तेज हो रही है मेरे से तो नहीं खेला जा रहा मैं तो यहाँ पे आके बैठ गया तो मैं अब घर ही जाऊँगा तो गाइस पार्क में घर आने के बाद सीधे किसी काम से चला गया तो अब घर आया घर आके मैं सीधे दादाजी को लाने चला गया तो फिर एक बार चल रहे हैं मंदिर तो करिए सोरे एक दोस्त और है तो उसको लेके चलते हैं तो गाइस मंदिर जाके घर आ चुके हैं तो प्रसाद है तो प्रसाद खाते हैं उसके बाद खाना वाना बनाया तो खाना वाना दिशा भी उठेगी अब तो गाइस आज खाना नहीं बल्कि बर्गर लेके आया देश तो बर्गर खाते हैं बर्गर ही खा तो गाइस आधा बर्गर तो खा लिया आधा बचा प्योर खाते हैं दिशा उठ चुकी है दिशा बोल सो आज है दिशा क्यों ये बर्गर खा लिया आके बात करती है तो गाइस देखो संध्या के हाथ में एक बर्गर इधर रोटी चटनी रायता सब कुछ जो साथ में अगर वो ले ले तो पता नहीं कहाँ ही चला जाए बंदा मेरे को नीचे में तो ये खाऊंगा खाना खाऊंगा आज मैंने मेरा बर्गर खा लिया वैसे अब दिशा दिलाएगी मेरे को थोड़ा सा उम्मीद भी मत रखना ये बर्गर ऐसे खा रही है ऐसे टुकड़ा टुकड़ा थोड़ा मिर्ची कम है इसमें मिर्ची कम है तो इसे मतलब डाल तू इसमें ओ रे गाइस उस साथ में ऐसी चटनी पता नहीं तीखा मीठा इनको चाउमीन बर्गर तुझे संध्या ने तो स्टार्ट नहीं किया संध्या से खाएंगे हम बर्गर संध्या ठीक है उम्मीद मत रखिए मेरे से तो गाइस सब बर्गर वगैरह खा के आए हैं ऊपर दिशा खा लिया पूरा दिशा का बर्गर आधा रखा है तो गाइस नीचे जाके वो भी खाना मेरे को अभी दिशा दे देगी और साथ में सैनिटाइजर जिससे मतलब कि मच्छर ना खाए तो गाइस जाते टाइम भी खा के गई थी और आते टाइम भी मैंने देखा जैसे तू एक बार ये दिखा देगा बर्गर किसे खाएगी हमें अच्छा मेरा भी दिखा देना थोड़ी देर में खाऊंगी तो तू थोड़ी देर में खाएगी पर ऐसा लगता है मैं यहाँ से जाऊँगा कहीं मैं चल थोड़ी जाऊँगा इसे बड़े आराम से खा ले हैं सोऊंगा तो मैं तू बर्गर खा ले तो मैं सो जाऊँगा हैं मैं बताऊँ वो बर्गर तुम मेरे को दे दे तो मैं व्लॉग नहीं बनाऊँगा किसका है भैया ओ बोलियो बोल दो तो बोल प्रवीण भैया तो मेरे को ही बोल तो ब्रो ये खा 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 ऐसे मत कर तो खा लूंगी तो तेरे क्या है तूने तेरा खा ही लिया हैं तूने तो तेरा खा ही लिया गाइस मुझे दिया ही नहीं तू ओ मुझे ओह आज मुझे बर्गर दिया ही नहीं नहीं आवाज ही नहीं निकली कोई दूसरी और इसको ऐसे कर दे ढंग से बंद कर देती वो लोग तो बन रहा है तो ऐसे थोड़ी बर्गर को खराब करना है क्यों खराब किया इसको देख चाउमीन देख कैसी आ गई बाहर निकल गई दिखा दी जा तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा मैं ऐसे बोल रहा चल व्लॉग नहीं बना रहा था मैं है ओ रे ब्रेड भी चिपक गई इस बार हैं आज मैं मंदिर गया था तू तो सो रही थी ठीक है तू प्रसाद का है तू 5 बजे कर रहा
वो गाय दिशा के आदत है तभी देखो मेरे को बोरी ना एक बार इसको हैं क्यों मेरे को क्यों करूं बंद प्रसाद भी दिखाऊंगा प्रसाद भी खाएगी थोड़ी देर में हैं और ये पानी की बोतल दिख रही है गाय जो पूरी खाली मिलेगी आपको वो बर्गर दे दे मैं कर रहा हूं ब्लॉग बंद दे रही है क्या ए, चल तू एक बाइट तेरे से तेरे बर्गर में दे देगी ना ठीक है तो गाइस ब्लॉग को बंद करते हैं एक बार मिलते खाने के बाद बता दूंगा मैं कुछ भी होगा तो गाइस मुझे तो ब्लॉग बनाने में भी ऐसी आ रही है ब्रेड ब्रेड जिस बर्गर के लिए लड़ाई कर रहे हैं ब्रेड नहीं आलू टिक्की मतलब पाव है दिखाई को नीचे से आलू मैं सजा ब्रेड बहुत ज्यादा मजा आएगा दिखा 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 ढंग से दिखा देख ले तो कितनी बड़ी नहीं आलू टिक्की दिखा गाइस पर मैं इसमें भी खाऊंगा आलू टिक्की बहुत अच्छी है वैसे उस बर्गर की निकाल लेगा हैं आलू टिक्की नहीं ब्रेड निकाल ले थोड़ी सी तो गाइस उसको बर्गर भी क्यों अरे रुक रुक मैं भी खाऊंगा तो गाइस अभी वैसे बर्गर खाया था पर हमारी दिशा बहन को ज्यादा ही भूख लग रही है तो हम जा रहे हैं खाना लेने वैसे पराठे बनाएंगे पराठे तो गाइस कुछ भी रहेगा वो मतलब या तो चटनी ले करेंगे बहुत मजा आएगा क्या ठंडा दही क्या मजा आने वाला है थोड़ी सी चटनी रहती है इसके अंदर छूक लगा के लेके आ जाएंगे वो बाहर और रखा अंधेरा तो पहले लाइट ऑन करते हैं लाइट नहीं ये गाइस ये लाइट हमने ख़राब कर दी मतलब आपको दिख नहीं रही होगी अभी जलाएंगे तब पता चलेगा तो गाइस देखो ये वाली लाइट नहीं जलती अब इधर एक लाइट लगा रखी है मतलब टेम्परेली बता क्या लेके चलेगी इसके अंदर क्या है तो गाइस हम लेके जाने वाले हैं ये मोटा प्याज प्रसाद का आज तू प्रसाद गाइस ये रहा इसको मैं बोल रहा ना प्रसाद की लग रही है देखो खुद नहीं कह दिया तो प्रसाद खाएंगे कह दिया तो सब प्रसाद मतलब इसको पांच लड्डू खाने थे ये जाती जब तो अपने भी पांच लड्डू लेके आती है अब मैं नहीं गया तो मैं क्यों लेके आऊं मैं मेरा एक बार प्रसाद लेके आता हूं ठीक है सॉस के साथ खा ली रोटी मेरा आज ना मेरे से ढंग से नहीं बजा रहा हर कुछ वो निकल रहा मुझे पता नहीं तो बंद कर दे हैं क्यों कर दे मेरे को मेरा ब्लॉग बनाना है दाल भी रखी है दाल ले ले दाल तो है इसके अंदर देखते हैं क्या रखा हुआ है इसके अंदर तो रोटी है मैं सही बोल रहा इसके अंदर कुछ भी ऐसे इसके अंदर पता है क्या है तो सबको पता है इसकी है छावड़ा इसके अंदर तो रोटी रखेंगे है तो रोटी रखेंगे पर कुछ वैसे इसके अंदर मतलब थोड़ी चीज नहीं है तो उसके अंदर रख देंगे तो इधर लाइट लगा के अच्छा किया हमने ना चेंज करेंगे वैसे ये उधर ही लगाएंगे फिर से तू क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है पता ही है रोटी बना रहा है हाँ बोल अब बोल क्या वो क्या है खाने किसको ये बता को खानी है नहीं खानी मेरे को बना तो फिर भी बना दो बस ना हाँ। तो गाइस जब खाना तो बना ले अब खाने की बारी तो गाइस हम खाने में लेके आए चटनी दाल अचार सॉस और ये छाछ तो मिलते खाने के बाद दिशा ने मेरा वेट भी नहीं किया ठीक है